अफगानिस्तान में तालिबान ने वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को इस्लामिक अमीरात का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी को तालिबान सरकार में अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है। तालिबान सरकार में नंबर एक और दो पद पर वैश्विक आतंकियों की नियुक्ति से दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया है, तब से तालिबानी आतंकी मुल्ला बरादर ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। और तभी से यह हल्ला था कि मुल्ला बरादर तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक महीना भी नहीं हुआ और उससे पहले ही परिस्थितियों में बदलाव आया और अब तालिबान ने वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन अखुंद को इस्लामिक अमीरात का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिससे मुल्ला बरादर भी थोड़े नाराज हैं। ऐसे में तालिबान में गृह युद्ध की स्थिति भी बन गई है। तालिबान में विजय जुलूस को लेकर भी मतभेद उजागर हुआ है। कुछ तालिबानी हक्कानी के बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर भी चिंतित हैं। एक तालिबानी कमांडर ने नाम उजागर किए बिना बताया कि अतीत में कंधार और काबुल धड़ा निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा ताकतवर था, पर काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी का प्रभाव बढ़ गया है। तालिबान सरकार की कमान को लेकर तालिबान के दोहा गुट, कंधार गुट और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद की खबरें हैं। इस बीच पाकिस्तान की मदद से तालिबान के ऐसे सदस्य को सरकार की कमान सौंपी जा रही है जो ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो। पिछले दिनों पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने काबुल दौरे के दौरान अबुल हसन अखुंद के नाम पर सहमति बनी थी। 33 मंत्रियों की कैबिनेट में कोई महिला नहीं होगी। खैरख्वा को सूचना मंत्री का पद दिया गया है। अब्दुल हकीम को न्याय मंत्री और शेख अब्बास को डिप्टी विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं जबीउल्ला मजाहिद को सूचना मंत्रालय में डिप्टी मंत्री की कमान दी गई है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दुनिया को बार बार भरोसा दिलाया कि नई सरकार उदार होगी, लेकिन अंतरिम सरकार में जिन लोगों को शामिल किया गया फिर सभी तालिबान के कट्टरपंथी चेहरे माने जाते हैं। नई सरकार में तालिबान के दूसरे धड़े के किसी नेता को शामिल किए जाने के भी कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नई सरकार में अमेरिका की गठन सेना और अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ दो दशक तक लड़ने वाले तालिबान के शीर्ष नेताओं को प्रमुखता दी गई है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि अंतरिम सरकार में तालिबान के मुखिया मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजदा की भूमिका क्या होगी। तालिबान ने पिछले दिनों कहा था कि अखुंदजदा नई सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। तालिबान सरकार की कमान को लेकर खींचतान जारी है। पिछले दिनों से तालिबान के दोहा गुट, कंधार गुट और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में तालिबान के गुटों में आपस में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।